हाय दोस्तों, मैं विंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। और आज हम बता रहे हैं कि एक चैनल है और बहुत ही अच्छा है, छोटी सी कम उम्र में उस बच्ची ने काफ़ी ग्रोथ किया है। तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि उसका जो चैनल है बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है और आप सपोर्ट करें। एक पूर फैमिली से है, वो 8वीं क्लास में पढ़ते हैं और ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 या 12 वर्ष के होंगे। सो उसका हौसला देखते हुए और उसकी उम्मीद बढ़ाएँ, उसका हौसला बढ़ाएँ। जिस तरीके से वो ग्रोथ कर रहा है, एक ही दिन में उसके 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो गए और सब ठीक है, उसके 6,32,000 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं और उसने 4 अगस्त को शुरू किया था चैनल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उसको सपोर्ट करें और जैसे उसको मोटिवेट कर रहे हैं और मुझे भी किया करें। तो बहुत अच्छा वो ब्लॉग्स बनाती है और उसके टॉपिक हैं जो उसका बोलने का तरीका है, कॉन्टेंट पर वो बोलते हैं और अपने बारे में बताते हैं, स्पीच अच्छा है। तो अच्छी बात है, उसका हौसला बढ़ाओ सभी लोग। और मेरा मोटिवेट ये रहता है कि मुझे भी सपोर्ट करें क्योंकि मैं भी कंटेंट डालता हूँ अच्छे बात, क्योंकि उसका ब्लॉग है। तो मैं इसके लिए सोर्स से मेंशन कर देता हूँ, उसका नाम कुछ साध्वी मिश्रा ब्लॉग वगैरह के नाम से शायद। तो आप एक बार जाकर चेकआउट जरूर करें और उसको देखें, उसको सपोर्ट करें और उसके साथ किसी तरीके की कोई परेशानी क्रिएट ना करें। लोग बाग उल्टे कॉमेंट करते हैं, उल्टे कॉमेंट नहीं करने हैं, अच्छे करने हैं, मोटिवेट करना है और उसका हौसला बढ़ाना है, उसका सहयोग करें, समर्थन करें, ठीक है। अगर आप सहयोग नहीं कर सकते तो उसको डीमोटिवेट मत करना, उसको निराशा की तरफ मत धकेलना। पहली बात तो ये कि अभी तक तो उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, एक दिन हुआ था बाई चांस, उसने कहा कि शायद उसका चैनल है जो पासवर्ड वगैरह भूल गए थे शायद, या किसी तरीके से लगा लो कि वो निराश हो गए कि मेरा चैनल चला गया। बाकी उसके पास फ़ोन भी नहीं है और फिर भी वो इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और एक पाइप का टुकड़ा देकर उसका ट्रिपॉड बनाया उन्होंने, कुछ इस तरीके से उन्होंने मेहनत की है। और फिर उसके पास मोबाइल भी नहीं, पर्सनल पापा का मोबाइल है उसके पास, फिर भी वो इतना संघर्ष कर रही है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। सो आप सब मिलके उसको भी सपोर्ट करें और प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें, क्योंकि हम भी कंटेंट लेके आपके लिए आते रहते हैं और ऐसी न्यूज़ हम भी डालते रहते हैं अपने चैनल। तो आप सपोर्ट करोगे तभी आपको इन चीज़ों से जुड़ी जितनी भी जानकारी होती है यूट्यूब से संबंधित, यूट्यूब चैनल से संबंधित, मैं सभी पोस्ट करता रहूँगा। और ये जो चैनल है बहुत अच्छा है, ब्लॉग्स आप ही बना सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई नहीं बना सकता। एक हौसला रखें, ठीक है, एक बोलने का तरीका समझें, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, हार नहीं माने। उस बच्ची में तो कॉन्फिडेंस है, बोलने का तरीका देखिए, अभी तो उसकी उम्र भी नहीं है। आप ये सोचिए कि वो जब अच्छे ग्रोथ कर जाएगा चैनल, तो उसकी स्पीच सुनना कि किस तरीके का उसका बोलना है। जैसे बड़े बड़े चैनल हैं आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब पर, एक से चढ़ के एक चैनल हैं, एक से चढ़ के ब्लॉग्स हैं, तो सभी तरीके के कॉन्टेंट डालते हैं लोग। ब्लॉग्स बनाओगे तो अच्छे, ब्लॉग्स में सभी ETC आ जाती हैं, आप घूम रहे हो, खेल रहे हो, अपनी एक्टिविटीज डाल सकते हो, क्या कर रहे हो, क्या करोगे लाइफ में, क्या कर चुके हो, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, ब्लॉग्स में आती हैं। ब्लॉग्स ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़े लिखे बनाएंगे, अंगूठा छाप भी बना सकते हैं। तो आप भी ये सब चीज़ें अगर बनाना चाहते हो तो आप एक लक्ष्य टारगेट करें कि इसके ऊपर मुझे टॉपिक पे कॉन्टेंट बनाएं, तो आप भी बना सकते हो, ठीक है। तो मेरा ये मकसद कि आप भी अगर बनाना चाहते हैं ब्लॉग वगैरह, तो आप भी बनाओ और उस लच्चे को भी सपोर्ट करो, ठीक है। फिर दोबारा से मेंशन कर देता हूँ, इसके रिसोर्ट यहाँ से आप देख के उसको चेकआउट करें एक बार और ज़रूर जाके प्यार प्यार कमेंट करें और उसका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि तो किसी का हौसला बढ़ाना सबसे बड़ी बात अच्छी बात है। अगर आप उसका हौसला बढ़ाओगे तो आने वाले में समय अपने लिए अच्छा कुछ कुछ कर सकती है। वैसे पूर फैमिली से बेचारे, और मैं चाहता हूँ कि भगवान उसकी जितनी भी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, और हमें भी सपोर्ट करो आप लोग और उसे भी करो, उसे तो करते रहें और हमें भी करो। थैंक यू सो मच आप सबका वीडियो देखने के लिए, और वीडियो पूरा देखेंगे लास्ट तक देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।